खाने के लिए वितरण करता है देखिए लेखक ने यथार्थ अन्नदाता किने और क्यों कहा है। यथार्थ अन्नदाता किसान को कहा जाता है क्योंकि वे अनाज पैदा करता है या उपजाता है और सबको खाने के लिए वितरण करता है। अन्न को हो गया कौन होता है? किसान होता है। अन्न को पैदा करने वाला किसान होता है। मैं हो गया करता है इसीलिए लेखक ने किसान को यथार्थ अन्नदाता कहा है। यथार्थ दाता कहा है। यथार्थ अन्नदाता किसान को कहा जाता है क्योंकि वे अनाज पैदा करता है। ऊपर की पंक्ति में भी है लेकिन लेखक क्यों कहता है? सबको खाने के लिए वितरण करता है इसीलिए लेखक ने किसान को ही यथार्थ अन्नदाता कहा है। जाता इतना लिख लीजिए आप। हो गया ये हो गया आपका। आपके आचरण है पाठ के आधार पर मंगर के व्यक्तित्व और स्वभाव का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है पाठ के आधार पर मंगर के व्यक्तित्व और स्वभाव का वर्णन करो। पाठ के आधार पर मंगर के व्यक्तित्व और स्वभाव का वर्णन करो। आपका आंसर है देखिए मंगर शरीर से मंगर शरीर से
मंगल शरीर से हट्टा कट्टा हट्टा कट्टा मंगल शरीर से हट्टा कट्टा और मंगल शरीर से हट्टा कट्टा और स्वभाव से सख्त था मंगल शरीर से हट्टा कट्टा और स्वभाव से सख्त था सख्त था और ईमानदारी ने और ईमानदारी के कारण उसके जीवन में उसे लोग बहुत चाहते थे क्योंकि वह किसी कार्य को बड़े परिश्रम और कार्य वह किसी कार्य को बड़े परिश्रम और ईमानदारी के साथ करता था। इतना आप लिख लीजिए कि मंगल शरीर से हट्टा कट्टा और स्वभाव से सख्त था और ईमानदारी के कारण उसके जीवन में उसे लोग बहुत चाहते थे क्योंकि वह किसी कार्य को बड़े परिश्रम और ईमानदारी के साथ करता था। इतना आप लिख लीजिए। मैम हो गया, दुदुला दिखाई दे रहा है। मैम साफ दिखाई दे रहा है, किसी को साफ दिखाई चल रहा था, सब दिखाई दे रहा है। मैम साफ दिखाई दे रहा है। मैम हो गया, सफा हो जा रहा है। सबको साथ लेकर चलना है बेटा, जो अभी को कहते हैं सर कि अभी नहीं हुआ। मैम हटिए, हाँ लिख लीजिए। देखिए आप कह रहे हो गया, अभी कोई बच्चा कह रहा है मैम हटिए, आप लिख लीजिए।
इतना लिखने के बाद हम आपको अगला क्वेश्चन लिखवाएंगे। हो गया मैम। रो मैम लिख लीजिए, बेटा अभी रेज हम नहीं करेंगे, लिख लीजिए। हो गया बेटा? नो मैम। यस मैम। यस मैम। लिख लीजिए। यस मैम हो गया। ठीक। मैम नहीं हुआ है। सर। कर लीजिए बेटा, कर लीजिए। जल्दी लिखो। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, यदि मंगल का बेटा जीवित होता तो उसका जीवन सुखमय भी और उसका जीवन सुखमय भी व्यतीत हो सकता था और दुखमय दुख का भी समय आ सकता था, लेकिन दोनों हो सकता है, लेकिन दिखाई दे रहा है किसी को न सोचते हुए कोई नहीं सोचता है कि हमारा बेटा हमारे जीते जी हमारे आंखों से ओझल हो जाए, इस बात को कोई नहीं सोचता है, या पुत्र लायक हो दोनों शब्द होते हैं, लायक और नालायक तो अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, लेकिन माता पिता की कभी ये कामना नहीं होती है कि मेरे जीते जी मेरा बेटा मुझसे पहले मृत्यु को प्राप्त कर ले, इस यह किसी माता पिता की का उद्देश्य नहीं होता है, यह आकांक्षा नहीं होती है, लेकिन जो ईश्वर की कृपा होती है, जो भगवान की कृपा होती है, जो होनी होती है, उस होनी को हम टाल नहीं सकते, होनी होती है, जो होनी होती है ऐसा है कि शोर नहीं बेटा, एक साथ आप लोग बोलते हैं, घर वाले भी साथ बोलते हैं, पढ़ाने में बहुत डिस्टर्ब होता है। मैम दुदुला दिखाई दे रहा है। यस मैम। मम्मा भी चाहिए। अब देखिए आप कि मेरी मंगर का बेटा जीवित होता तो मंगर का बुढ़ापा कैसे बीतता, ये सुखमय, अगर उसका बेटा जीवित रहता तो कल्पना यही की जाती है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मेरा जीवन सुखमय व्यतीत होगा, यह कल्पना नहीं की जाती है कि मेरा बच्चा जीवित रहेगा तो मैं क्या है दुखमय जीवन व्यतीत करूंगी, यह नहीं कोई कल्पना करता है, यह सभी लोग कल्पना करते हैं, सभी लोग इच्छा करते हैं कि मेरा बेटा जीवित रहेगा तो मैं सुखमय जीवन व्यतीत करूंगा, ऐसा है ना, सबकी आकांक्षा होती है, सबकी इच्छा होती है, आई बात समझ में? यस मैम। एक शब्द बस, एक शब्द इसमें है, बहुत ही दीर्घ क्वेश्चन है, लेकिन एक बिल्कुल इसका आंसर शॉर्ट है कि यदि मंगर का बेटा जीवित होता तो उसका बुढ़ापा सुखमय व्यतीत होता, आई बात में समझ में? यस अगर मंगर का बस एक शब्द है, इसमें से अधिक नहीं है, मंगर का बेटा यदि जीवित होता तो उसका जीवन सुखमय व्यतीत होता है, यही से आपका ये पाठ एंड हुआ, आई बात समझ में? हेलो। यस मैम। अब देखिए आप लोगों को एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि मैं कहती हूँ इस पाठ को पढ़ाने के बाद पिछले पाठ का जो पाठ
चैप्टर वन और टू। वन चैप्टर का एक दिन आप लोगों से हम पूछे थे, आज मैं टू चैप्टर से क्वेश्चन करूंगी, आप लोग उसका आंसर बताएंगे। कहे थे इस चैप्टर को समाप्त करने के बाद समय अनुसार जो समय बचेगा मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी, आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। सेवन चैप्टर आपका एंड हो गया। अब देखिए पार्ट दो है आपका, यह मेरा यह मेरे मीत। मीत मीन्स क्या होता है? दोस्त होता है, मित्र होता है। अब देखिए इस पार्ट में है आपके क्वेश्चन है, व्यापारी मीत ने पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की, बताइए क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है आपका, जीवा तालू में न दबा करके आप जीवे को खोल करके क्वेश्चन का आंसर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। व्यापारी मीत ने, क्वेश्चन है आपका, व्यापारी मीत ने पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की, पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की, बताइए आप। क्योंकि उसका मित्र, उसका मित्र पैसे, क्योंकि उसका मित्र पैसे के लिए नहीं पढ़ रहा था इसलिए वो उसने नहीं पढ़ाई। आप नेटवर्क में आइए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। नेटवर्क में आएंगे तो आपकी आवाज साफ आएगी। हम किस लेसन का है? अभी आपसे बोला गया है कि होमवर्क में आप लोगों को टू लेसन दिया गया था ना, टू लेसन। यस मैम। व्यापारी मित ने पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की, क्यों, क्या उसके पास पैसे का अभाव था, क्यों पढ़ना नहीं चाहता था, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे कम था। क्योंकि उसके पास पैसे का अभाव था, बिल्कुल, वो भी निर्धन था, गरीब था, इसीलिए वह पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता था, इसीलिए वह पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता था। देखिए मानव के जीवन में दुख और सुख दोनों आता है, मानव के जीवन में दुख, देखिए दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, दुख और सुख दोनों आता है, तो कभी सुख कभी दुख, तो वो क्या था, वो बिल्कुल इसीलिए बच्चा पढ़ नहीं पाता। हाँ, कभी कभी मानव के जीवन में विषम परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि उन परिस्थितियों के कारण वह कार्य को नहीं कर पाता है, विषम परिस्थितियों के कारण कार्य को नहीं कर पाता है, ऐसी परिस्थितियां मानव जीवन में आ जाती हैं, सबके जीवन में आती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर है, इस समय का चक्र सभी लोगों पर, इस संसार में जितने लोग हैं उन सभी लोगों पर समय का चक्र है बेटा, समय का चक्र हमेशा मानव जीवन में आता जाता रहता है। आई बात समझ में? तो या नहीं, कभी मानव के जीवन में सुख आता है तो मानव अहंकार में डूब जाता है, और जब मानव के जीवन में दुख आता है तो क्या करता है, बैठ कर रोने लगता है, ऐसी स्थिति नहीं, लेकिन क्या है, ऐसी स्थिति नहीं, दुख में भी मानव को क्या है, सोच समझ करके अपने कार्यों को करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। अगर मानव जीवन में संकट भी आता है तो उसका क्या है, डट कर सामना करना चाहिए। जब हम डट करके परिश्रम के साथ उसका सामना करेंगे तो उसका परिणाम हमें बहुत अच्छा मिलेगा। अगर हम, हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, तो उसे हम भागते रहेंगे, उसे हम ले करके रोते रहेंगे, तो हमारे जीवन में और दुख आता ही रहेगा।
हमारे जीवन में दुख और आता रहेगा। हमें क्या है, हमारे अगर जीवन में दुख आता है तो उसका निवारण करने के लिए हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए, न कि रण को छोड़कर हम के भाग जाना चाहिए। नहीं, ऐसी स्थिति नहीं लाना चाहिए। ऐसी स्थिति लाने पर मानव जीवन में और दुख का संकट आ जाता और दुख का पहाड़ टूट जाता है, तो हमें उसका सामना करना चाहिए, उसे छोड़कर भागना नहीं चाहिए। जैसे आप लोगों ने इस पाठ को पढ़ा है, दो मित्र थे, एक मित्र क्या था, बहुत धनी परिवार का था, एक बिल्कुल निरीह परिवार का, गरीब परिवार का था। लेकिन कहा जाता है कि मित्र अगर होता है बेटा, अगर सच्चा मित्र, पत्नी भी साथ छोड़ देती है, माता पिता भी साथ छोड़ देते हैं, ध्यान से सुनिए कि पत्नी पुत्र बहू बेटे सब परिवार के सभी लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन अगर सच्चा मित्र है तो आपके दुख में आपका साथ देता है, वही सच्चा मित्र होता है। मानव के जीवन में अगर मित्र है तो मेरे कहने का तात्पर्य है बेटा कि मित्र का भी चुनाव करते समय सोच समझ करके मित्र का चुनाव करना चाहिए। मित्र का चुनाव जब आप करिए तो सोच समझ करके, अरे तो वही होगा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में होता है। अगर किसी भी कार्य को करने से पहले, मेरे कहने का तात्पर्य है कि किसी भी कार्य को करने से पहले आप सोच समझ करके उस कार्य को करिए, नहीं तो इस संसार में आपका परिहास होगा। जो ऐसे कार्यों को करेगा उसका परिहास होगा, उसकी मानहानि होगी। तो हमारे कहने का तात्पर्य है किसी कार्य को करने से पहले सोच समझ कर करना चाहिए, इस संसार में वो हंसी का पात्र बन जाएगा। ऐसे कार्यों को न करिए आपकी हंसी का पात्र बने। मैं पढ़ रही रहिए। हाँ बेटा मैं पढ़ा रही हूँ, क्या कर रही है घर पे, आप शांत रहिए, मुझे पढ़ाने दीजिए। वो पढ़ेगी ना, जो उसको पढ़ना होगा पढ़ लीजिए, बीच में आप बोलते रहेंगे डिस्टर्ब करेंगे तो मेरी क्या है, जो कड़ी है वो कड़ी टूट जाएगी, तो फिर मुझे भी पढ़ाने में डिस्टर्ब होगा। आई बात समझ में? तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि किसी भी कार्य को, जैसे आप किसी बात को भी किसी से कहते हैं, किसी बात को भी किसी से कहते हैं तो उस बात को सोच विचार कर करना चाहिए। जिस प्रकार क्या है, तराजू से हम अन्न को तोलते हैं, जिस प्रकार हम तराजू से अन्न को तोलते हैं, उसी प्रकार आप हम अपने हृदय रूपी तराजू से अपनी बाड़ी को तोलते हैं, उसी प्रकार हम हृदय रूपी तराजू से अपनी बाड़ी को तोलते हैं, तब हम किसी के सामने अपनी बात को प्रकट करते हैं। तात्पर्य है कि सोच विचार करके भी किसी बात को किसी से कहना चाहिए। आई बात? कहा गया कि बोली एक अनमोल है कि जो कोई बोले जान। देखिए बोली भी क्या है, एक अमूल्य वस्तु है। बोली एक अनमोल, आपके पाठ के आधार पर ही है कि बोली एक अनमोल है कि जो कोई बोलन जान, अहिये तराजू तोल के तमुक बाहर आन। अब बोली एक अमूल्य वस्तु है, बोली एक अमूल्य वस्तु है, हमें उसे क्या है, जिस प्रकार हम अन्न को तराजू से तोल करके रखते हैं, उसे तोलते हैं, तोलते हैं ना, उसी प्रकार ये तराजू तोल के तमुख बाहर आन, ही मीन्स हृदय होता है, ये मीन्स हृदय होता है, हमें अपने हृदय रूपी तराजू से तोल कर उसे बाहर निकालना चाहिए, अर्थात किसी से कहना चाहिए। इस कहने का तात्पर्य कि उसे सोच समझ कर कहना चाहिए कि इस बात को हम कहेंगे इसका परिणाम बुरा होगा या उसका परिणाम अच्छा होगा, सोच समझ करके इस बात, किसी भी बात को किसी के सामने प्रकट करना चाहिए। आई बात समझ में? आप देखिए, आइए आप व्यापारी मित्र निर्धन कैसे हो गया, व्यापारी मित्र निर्धन कैसे हो गया, बताइए आप इस क्वेश्चन का आंसर। तालू में चिपक जाने के बाद तालू में जीवा चिपक जाती है। देखिए व्यापारी जो मित्र था, व्यापारी मित्र निर्धन कैसे हो गया, क्योंकि उसके घर को डाकुओं ने लूट लिया था, क्योंकि उसके घर को डाकुओं ने लूट लिया था, जिसके कारण व्यापारी मित्र निर्धन हो गया था। आई बात समझ में?
आप लोग पढ़ाया जाता है पढ़ते नहीं है, इस बात से एहसास होता है कि आप पढ़ते नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। मंत्री मित्र ने अपने मित्र की सहायता कैसे की? मंत्री मित्र ने अपने मित्र की सहायता कैसे की? लाइन का एक एक लाइन का आंसर आप लोगों को याद नहीं है, बोलिए बेटा। किसी को तो याद होगा, इसका मतलब कोई नहीं पढ़ता है। इस पढ़ाने का क्या तात्पर्य है बताइए आप, क्या मतलब है? मंत्री मित्र ने अपने मित्र की सहायता कैसे की? राजा, देखिए राजा के यहाँ पूर्णिमा के दिन क्या है, मुद्राएं दान होती थी। राजा के यहाँ, जिस राजा के यहाँ वो उसका मंत्री मित्र कार्य करता था, उस हर पूर्णिमा को वो मुद्राएं दान करते थे। आई बात समझ में? तो वो मंत्री मित्र ने सोचा कि मेरा मित्र बिल्कुल निर्धन है, गरीब है, मेरा मित्र बिल्कुल निर्धन है, गरीब है, मैं क्यों ना उसकी सहायता अपने राजा से कुछ मुद्राएं दिलवा करके करूं। तो उन्होंने क्या किया, पूर्णिमा के दिन अपने मित्र को अपने यहाँ बुलवाया और राजा से कुछ मुद्राएं दिलवा करके उनकी सहायता की, उनकी सहायता मुद्राएं दिलवा करके की। आई बात समझ में? अब देखिए आप, अब देखिए आपके चैप्टर में है, पाठ में है कि मंत्री ने राजधानी के मार्ग पर किसे देखा। सही विकल्प है आपका कि मंत्री ने राजधानी के मार्ग पर किसे देखा, अपने पिता को, अपने बड़े भाई को, अपने मित्र को, किसी को नहीं। बताइए किसे देखा? अपने मित्र को, अपने मित्र को, सही है। महाराज किस दिन दान देते थे, अभी आप लोगों को बताए हैं हम कि किस दिन, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन दान देते थे। भिक्षुक, भिक्षुक बने मित्र को दान में कितनी मुद्राएं मिली थी? 10, 20, 30, 100। सौ, सौ मुद्राएं। यस मैम। लास्ट है आपका कि मंत्री सुखी नहीं था क्योंकि वह बीमार था, उसका बेटा नालायक था, उसके पास धन नहीं था, सभी। क्यों बेटा? उसका बेटा नालायक था। मंत्री सुखी नहीं था, उसका बेटा नालायक था। मैम आपका आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो आप क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। आई बात समझ में? यस मैम। आपका है पर्यायवाची शब्द, आपको पर्यायवाची शब्द भी करवाया गया है। शब्द है आपका बेटा, शब्द है पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, बेटा है, मीत है, बस बस इतना ही। आपका बेटा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा भाई? दो दो शब्द आपको बताना है, बताइए बेटा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मैम पुत्र, पुत्र और सुत होगा, सु
सुत सुत मी और मित्र अगर जो लोग भरे नहीं होंगे आप पेंसिल का प्रयोग करके भर लीजिएगा अगर कदाचित जिस बच्चे का नहीं भरा होगा तो आप पेंसिल का प्रयोग करके भर लीजिएगा कृष्ण कृष्ण का पर्यायवाची क्या होगा कन्हैया गोपाल कन्हैया गोपाल हाँ माधव कुछ भी कर सकते हैं यस मैम हाँ नंदलाल हाँ नंदलाल कन्हैया और देखिए आपका है मेहमान मेहमान शब्द है मेहमान शब्द का क्या होगा दो ही शब्द बताइए आप बेटा अतिथि अतिथि जो नए लिखे होंगे लिख लीजिएगा अतिथि रिश्तेदार जो लोग नहीं भरे होंगे नहीं लिखे होंगे अपनी किताब में लिख लीजिएगा आई बात समझ में यस मैम इसके बाद और शब्द है हम पूछेंगे आपसे नहीं लिखे होंगे तो लिख भी लीजिएगा और आएगा तो बताइएगा नहीं हो गया यस मैम हो गया देखिए राजा शब्द है राजा का पर्यायवाची क्या होगा बोलिए नरेश हाँ नरेश और नृप नरेश और नृप बहुत अच्छा पिता का क्या होगा देखिए पिता का जनक और तात अगर आप नहीं भरे हैं तो भर लीजिएगा पिता का होता है जनक और तात जनक और तात शिक्षक का शिक्षक शब्द है शिक्षक शब्द है शिक्षक का होता है अध्यापक अध्यापक और गुरु लास्ट शब्द है आपका धन मैम दौलत द्रव्य धन हाँ दौलत द्रव्य संपत्ति कुछ भी लिख सकते हैं आई बात समझ में यस मैम हाँ धन का दौलत द्रव्य संपत्ति आप कुछ भी लिख सकते हैं आई बात समझ में आप देखिए आपको होमवर्क में पार्ट दो का प्रश्नोत्तर लघु और दीर्घ हम कल दोनों पूछेंगे आप लोगों से इसके बाद हम देखिए व्याकरण में हम कल व्याकरण पढ़ाएंगे व्याकरण में हम आप लोगों को समास पढ़ाएंगे इसके बाद समय अनुसार जो समय बचेगा तो हम आपसे पूछने का कार्य भी करेंगे पढ़ाते भी रहेंगे बीच बीच में पूछने का भी कार्य करेंगे आई बात समझ में यस मैम होमवर्क में हिंदी लर्न लेसन टू आपका होमवर्क रहेगा लर्न लेसन टू आई बात समझ में यस मैम ऐसे आपका हिंदी का क्लास आपका होगा ओवर हो गया मेरे प्यारे बच्चों
गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. बच्चों ध्यान देंगे. कुछ थोड़ा सा मीनिंग है पहले उसको आप लोग लिख लें, उसके बाद फिर हम आपको पढ़ाते हैं. ठीक है बच्चों, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस सर. कुछ मीनिंग्स है उसको लिख लें तो फिर उसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं. मीनिंग है उसको. हाँ. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. पहले आप उसको मीनिंग लिख लें उसके बाद तो फिर हम आपको पढ़ाते हैं. ठीक है बच्चों. अभी कुछ ही मीनिंग है, जैसे फिर कल मैं लिखवाऊंगा, परसों फिर लिखवाऊँ तो उसको आप लिखते जाएंगे, है ना. मीनिंग को छोड़ेंगे नहीं, जो जो मीनिंग मैं लिखवा रहा हूँ. जैसे बच्चों जो रेड कलर है ना, रेड कलर में जो दिया हुआ है आपके बुक में, देख रहे हैं ना? यस सर. जो वर्ड्स रेड कलर में दिया हुआ है उसको तो मैं नहीं लिखवाऊंगा, उसको लिखा हुआ है पीछे, है ना, उसको आपको स्वयं में लिखना है. लेकिन कुछ मीनिंग है उसको मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, है ना, उसे आप लिख लेने. माने मैं जो लिखवा रहा हूँ उसको भी लिखना है और जो आपके बुक में दिया है उसको भी लिखना है. ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, मेरी बात आप समझ गए हैं, अर्थात जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको भी लिखना, जो बुक में दिया है उसको भी लिखना. ठीक है ना, तो पहले लिख लें. Yes, कुछ मीनिंग है उसको लिख लें. Undertaken means होता है to perform किसी कार्य को करना, to perform. Greatly. In a great manner. In a great manner. Behalf means favor. Permission means order. और एक शब्द और है बच्चों, वायसराय. इसको क्या बोलते हैं? वायसराय. VICERY. वायसराय. दिया हुआ बच्चों? वायसराय किसको कहते हैं बच्चों? थोड़ा सा लंबा मीनिंग है, इसको समझ लीजिए, है ना. द गवर्नर ऑफ
गवर्नर ऑफ ए किंग. सर क्यों वर्ड मीनिंग लिखवा रहे हैं? हाँ क्या करें बच्चों, मीनिंग क्यों लिखवा रहे हैं? नहीं लिखवाएं, मिटा दें. बोलिए. नो सर. कहिए तो मिटा दें. द गवर्नर ऑफ ए किंगडम हु रूल्स एज, ध्यान से देखिएगा, हु रूल्स एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ द किंग. सब्स्टिट्यूट ऑफ द किंग, थोड़ा लंबा मीनिंग है, ध्यान से देखिएगा बच्चों. यार वायसराय द गवर्नर ऑफ ए किंगडम हु रूल्स एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ द किंग. ठीक है बच्चों. अब थोड़ा सा देखेंगे तो मैं फिर आपको बताऊंगा. ये मीनिंग आप लोगों ने लिख लिया बच्चों? यस सर. ठीक है, इस मीनिंग को yes, sir. जो मीनिंग मैं लिखवा रहा हूँ इसको भी लिखना है, और जो बुक में दिया उसको भी लिखना है. तो जैसे आपकी मर्जी. yes, पहले, पहले आपको बुक का लिखना हो तो बुक का लिख लीजिए, उसके बाद इसको लिखिए, या इसको लिख लीजिए तब बुक का लिखिए. ठीक है ना? yes, बच्चों ये मैं मीनिंग इसलिए दे दिया हूँ कि आपको जो बात नहीं समझ में आएगी तो आप इसको समझ लेंगे. कल मैंने आपको बताया था बच्चों, yesterday I was telling you that Marco Polo जब इन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ किया था उस समय इनकी एज कितनी थी बच्चों? 17 years. इनकी एज कितनी थी? 17 years. And belong to the family of rich merchant of Venice. और ये वेनिस के वेनिस में क्या समझ पड़ा था बोल. एक धनी मर्चेंट के, धनी व्यापारी के घर में पैदा हुए थे. और इन्होंने चाइना, उन्होंने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू किया था बच्चों? चाइना से शुरू किया था, जिसका नाम क्या था पहले? कैथे. चाइना का पहले नाम क्या था बच्चों? कैथे नाम था. और इन्होंने अपनी यात्रा किसके किसके साथ शुरू किया था बच्चों? मार्को पोलो ने अपनी यात्रा किसके साथ शुरू किया था, बता सकते हैं बच्चों? क्या सर? मार्को पोलो ने अपनी यात्रा किसके साथ शुरू किया था? अपने दोस्त के साथ? नो. मार्को पोलो ने अपनी यात्रा जो है अपने फादर निकोलो पोलो और अंकल जो थे उनके मैथियो पोलो के साथ शुरू किया. किसके साथ शुरू किया था बच्चों? बच्चों मार्को पोलो ने अपनी यात्रा किसके साथ शुरू किया था? सर अपने अंकल और अपने फादर के साथ. अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज फादर? सर निकोलो पोलो. निकोलो पोलो. और उनके अंकल का क्या नाम था बच्चों? व्हाट इज द नेम ऑफ हिज अंकल? मैथियो पोलो. मैथियो पोलो. ओके स्टूडेंट्स, अच्छा ये बताएं आप लोग, इसको मैं रिमूव कर दूं फिर आने दें? यस सर रिमूव कर दूं. रिमूव कर दे. लिख लिया आप लोग ने इसको? इसे आप लोगों ने लिख लिया है ना? अच्छा इसको मैं रिमूव कर दूं. यस सर. आप लोगों ने लिख लिया है ना? यस सर. वेरी गुड. यस सर. इसके बाद मार्को पोलो जो है वेनिस से एशिया माइनर
कल मैंने आपको ये बताया था। इसके बाद ब्लैक सी काला सागर को पार करते हुए क्रीमिया में इन्होंने अपनी यात्रा किया, कहां पर? पर्शिया, जिसको कि इस समय हम ईरान कहते हैं। ईरान का पुराना नाम था पर्शिया। और इसके बाद इन्होंने अपनी यात्रा बच्चों अफगानिस्तान से शुरू करके पामीर के पठार तक गए। इसके बाद इन्होंने ग्रेट गोबी डिजर्ट को पार किया, जो इस समय पेकिंग में है। और पेकिंग का इस समय एट प्रेजेंट नाम क्या है? बीजिंग है। बीजिंग जो है चाइना की कैपिटल है। और इसके बाद इनकी जर्नी को पूरा होने में, जर्नी टू 4 ईयर्स, इनकी यात्रा कितना दिन लगे, इनकी यात्रा पूरी करने में कितना समय लग गया बच्चों? 4 ईयर्स, जर्नी टू 4 ईयर्स। इसके बाद बहुत सी समस्याओं का सामना भी किया अपने यात्रा के दौरान। इन्होंने समस्या का सामना किया बच्चों? किसने समस्या का सामना किया बच्चों? Who faced the problem during the journey, यात्रा के दौरान किसने जो है समस्या का सामना किया? मार्को पोलो। What is your name, student? सर, मार्को पोलो। What is your name, student? अनुराग यादव। Very good. अब इसके बाद पोलो जो है, माने मार्को पोलो और निकोलो पोलो और मैथ्यू पोलो, ये तीनों लोग जो है कुबलाई खान के कोर्ट में पहुंचते हैं, जो बहुत बड़े विशाल साम्राज्य का वह शासक था, रूलर था। एट द कैपिटल ऑफ पेकिंग, कैपिटल एट पेकिंग। पेकिंग किसका नाम था बच्चों? पहले पेकिंग चाइना की कैपिटल थी, अब इस समय पेकिंग का नाम बदल करके क्या हो गया है? बीजिंग हो गया है। बात समझ में आ रही है बच्चों? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। बीजिंग कहाँ की कैपिटल है? यस सर। बीजिंग कैपिटल कहाँ की है? चाइना। चाइना की। पहले इसका क्या नाम था? पेकिंग। क्या नाम था? पेकिंग। और ये लोग वहां पर पहुंचते हैं बच्चों। कौन पहुंचता है? सर, मार्को पोलो और मार्को पोलो, निकोलो पोलो और मैथ्यू पोलो, ये तीनों लोग वहां पर पहुंचते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद द एम्परर का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ एम्परर? एम्परर का क्या नाम बच्चों? शासक का क्या नाम है? सर, कुबलाई खान। कुबलाई खान। क्या नाम था? कुबलाई खान। हाँ, द एम्परर वाज सो प्लीज्ड। एम्परर वाज सो प्लीज्ड। एम्परर बहुत ही खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ बच्चों। ठीक है। विथ मार्को पोलो दैट ही टुक हिम इनटू हिज सर्विस। मार्को पोलो से वह बहुत खुश हुआ और ही टुक हिम इनटू हिज सर्विस और उसको जो है अपने सेवा में लगा लिया। एंड He trusted him greatly, और trusted मैंने उसके ऊपर खूब विश्वास करता था। Trust means क्या होता है बच्चों? विश्वास है ना? बिलीव करना। He trusted, believed, विश्वास करता था। Greatly मैंने बहुत इन ए ग्रेट मैनर, अत्यधिक।
बहुत ज्यादा मात्रा में एंड सेंट हिम मेनी फार अवे प्लेस ऑन हिज बिहाफ और उसको बहुत दूर दूर तक सुविधा अनुसार वो उसको भेजता था। कौन भेजता था बच्चों? यस कौन किसको भेजता था? कुबालिया खान। कुबलाई खान जो है जो एम्परर था खान। जो एम्परर था वह क्या नाम है इनको मार्को पोलो को बहुत दूर दूर तक भेजता था। ठीक है बच्चों? और वन ट्रिप वाज मेड इन 1287 टू बर्मा। खाली हो गया हेलो हेलो सर हरे कृष्णा तुम्हारा हो गया सब? नहीं कितना हुआ है? तो वह जो है कितना नहीं 1287 में वर्मा बर्मा जिसको इस समय क्या कहते हैं बच्चों? म्यांमार। बर्मा का इस समय क्या नाम है वर्तमान में? म्यांमार। म्यांमार म्यांमार। इसके बाद एनदर सम टाइम लेटर कुछ देर के बाद टू सिलोन। सिलोन का इस समय क्या नाम है? श्रीलंका। इस समय क्या कहते हैं बच्चों? श्रीलंका। श्रीलंका का ठीक है ना। और इसके बाद सिलोन को श्रीलंका कहते हैं। इसके बाद द ट्रिप टू सिलोन वाज अंडरटेकन टू ब्रिंग द सेक्रेट टूथ ऑफ बुद्धा फॉर द एम्परर। और श्रीलंका की जब यात्रा उसने किया तो उस समय कुबलाई खान जो था उसने इनको बताया मार्को पोलो को कि मार्को पोलो तुम जाओगे और सेक्रेड माने पवित्र। सेक्रेड मीन्स क्या होता है बच्चों? पवित्र। पवित्र टूथ मीन्स क्या होता है? दांत। टूथ मीन्स क्या होता है? दांत है। तुम जो है एम्परर के लिए बादशाह के लिए कुबलाई खान के लिए वहां से बुद्धा की गौतम बुद्ध की सेक्रेट टूथ उनके जो है पवित्र दांत को ले आओगे। लेटर मार्को पोलो वाज मेड द गवर्नर ऑफ इम्पोर्टेंट सिटी। और बाद में उस महत्वपूर्ण शहर का मार्को पोलो को गवर्नर बना दिया गया। बात समझ रहे हो बच्चों? मेरी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। मार्को पोलो को फिर उस महत्वपूर्ण गवर्नर बना दिया गया। ठीक है वेरी गुड। अब इसके बाद क्या होता है बच्चों? इन 1290 ईस्वी में 15 ईयर्स आफ्टर कमिंग टू पेकिंग 15 साल बाद पेकिंग लौटने के बाद पेकिंग आने के बाद मार्को पोलो आस्क्ड फॉर द एम्परर्स परमिशन टू गो बैक होम। पेकिंग लौटने के बाद बच्चों पेकिंग आने के बाद मार्को पोलो ने एम्परर से घर जाने के लिए परमिशन लेना चाहता था। परमिशन मीन्स क्या होता है बच्चों? परमिशन मीन्स क्या होता है? आज्ञा। क्या लिखवाया गया? परमिशन मीन्स ऑर्डर। ऑर्डर लिखवाया गया ना बच्चों कि वो उनसे आज्ञा लेना चाहता था। हाँ बट कुबलाई खान जो था बच्चा
रिफ्यूज माने इनकार कर दिया, अवॉइड कर दिया, इनकार कर दिया, क्या इनकार कर दिया, टू लेट हिम गो। कुबलाई खान रिफ्यूज टू लेट हिम गो, उसको जाने से इनकार कर दिया कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है। ए लकी चांस हाउ एवर हेल्प हिम, और ये भाग्यशाली चांस हुआ, भाग्यशाली अवसर हुआ, चांस माने अवसर, कि उसको किसी भी प्रकार से सहायता हो गई कुबलाई खान की। ठीक है बच्चों, अर्थात कुबलाई खान ने मार्को पोलो को घर जाने की अनुमति नहीं दी। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? कुछ यस या नो तो बोले आप लोग। यस सर। तो कुबलाई खान को आदेश नहीं दिया बच्चों, और उसके बाद चीज और ध्यान दो कि द मैरिज ऑफ प्रिंसेस, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, द मैरिज ऑफ प्रिंसेस, प्रिंसेस माने क्या होता है बच्चा, प्रिंसेस मीन्स क्या होता है बताएं, हैं? प्रिंसेस माने क्या होता है, प्रिंस माने क्या होता है, प्रिंस माने राजकुमार और प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी, ठीक है ना। द मैरिज ऑफ प्रिंसेस ऑफ कुबलाई फैमिली, कुबलाई खान के परिवार के राजकुमारी की शादी हैड बीन अरेंज विथ आर्गुन द वायसराय ऑफ पर्शिया, पर्शिया के वायसराय थे उनके साथ अरेंज हो गई। किसके साथ अरेंज हो गई बच्चों, किसके साथ अरेंज हो गई बच्चों, वाइया के साथ शादी तय होगी राजकुमारी की, आर्गुन किसके साथ तय होगी बच्चों, आप लोग बुक नहीं देख रहे हैं क्या, आर्गुन के साथ, तो वायसराय जो था पर्शिया का उसके साथ राजकुमारी की शादी क्या हो गई, तय हो गई। बात समझ में आ रही है बच्चों, बच्चों मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? यस सर। क्या समझ पा रहे हैं? कुबलाई खान के, कुबलाई खान के परिवार के राजकुमारी की शादी पर्शिया के वायसराय जो थे आर्गुन उनके साथ तय हो गई। वायसराय किसको कहते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है द गवर्नर ऑफ ए किंगडम हू रूल्स एट द सब्स्टिट्यूट ऑफ द किंग, की राजा के बदले में, राजा के बदले में या राजा के जगह पर अगर कोई व्यक्ति राज्य की देखभाल करता है उसको जो है वायसराय कहते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? द प्रिंसेस वाज टू सेंड टू पर्शिया विथ पर्शियन नोबल्स, बड़े ही पर्शिया पर्शियन नोबल्स के साथ पर्शियन सम्मान के साथ जो है राजकुमारी को पर्शिया भेजा गया। द प्रिंसेस वाज टू बी सेंट टू पर्शिया विद द पर्शियन नोबल्स, पर्शियन नोबल के साथ सम्मान के साथ राजकुमारी को पर्शिया भेजा गया। सीइंग द डेंजर ऑन द रूट, सीइंग द डेंजर ऑन द रूट, रास्ते में खतरा देखते हुए, रास्ते में खतरा देखते हुए, दे वांटेड टू टेक सम ट्रस्टेड एंड एक्सपीरियंस ट्रेवलर्स विथ देम एज गाइड्स, वे चाहते थे कि कुछ विश्वास पात्र और अनुभवी यात्री जो है इनके साथ गाइड के रूप में जाएं, रास्ता बताने वाले के रूप में जाएं, क्योंकि रास्ता खतरनाक है, रास्ता डेंजरस है, इसलिए इनको रास्ता बताने के लिए कुछ अनुभवी और कुछ क्या कहते हैं उसको, ट्रस्टेड माने विश्वास पात्र, फेथफुल जो यात्री जो है साथ में जाएं और इनको रास्ता बताएं एज ए गाइड, गाइड के रूप में। बात समझ रहे हो बच्चों? यस सर। दे रिक्वेस्टेड कुबलाई खान टू अलाउ पोलोस
इसलिए उन लोगों ने कुबलाई खान से यह रिक्वेस्ट किया या निवेदन किया, क्या निवेदन किया बच्चों, कि टू अलाउ द पोलोस टू गो विथ देम, कि उनके साथ जो है पोलो जाए। पोलोस का मतलब मार्को पोलो और निकोलो पोलो और मैफियो पोलो, तीनों लोग। बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। कुबलाई खान एग्रीड। हाँ बच्चों बोलिए बोलिए बोलिए, क्या करें बोलिए। कुबलाई खान एग्रीड, कुबलाई खान सहमत हो गया। बट ही मेड मार्को प्रॉमिस दैट ही वुड कम बैक हिम आफ्टर द जर्नी। लेकिन कुबलाई खान ने कहा कि मार्को पोलो जो है इस यात्रा पूरी करने के बाद फिर से वापस लौट करके आएगा। बात समझ आओ बच्चों? हैं, जब राजकुमारी जा रही yes, थी sir. जब राजकुमारी की विदाई हो रही थी तो उन लोगों ने कहा कि हमारे साथ मार्को पोलो को, निकोलो पोलो को और माफियो पोलो को साथ में लगा दिया जाए। तो कुबलाई खान इस पर जो है सहमत हो गया और उसने कहा कि यह यात्रा पूरी होने के बाद, कुबलाई खान ने कहा कि यह यात्रा पूरी होने के बाद मार्को पोलो जो है फिर जो है कम बैक वापस आएगा। ठीक है बच्चों? बात समझ में आ रही है? यस सर। अर्थात कहने का तात्पर्य कि अब जो है यात्रा प्रारंभ होती है और ये लोग चलते हैं। द पार्टी हैड डिसाइडेड टू ट्रेवल बाय सी। पार्टी ये निर्णय करती है कि हम समुद्री मार्ग से जाएंगे। बट ट्रबल्स बिगेन सून आफ्टर द वॉयज स्टार्टेड। लेकिन कठिनाई, समस्या जैसे ही यात्रा शुरू हुई उसके बाद जल्दी ही शुरू हो गई, यानी कठिनाइयां शुरू हो गई रास्ते में। द विंड कैरीड द शिप्स, इतनी तेज हवा चली कि जो शिप थी, जो शिप्स जो थी, जो पानी की जहाजे थी, उनको जो है इंडो चाइना, इंडिया चाइना के बॉर्डर पे ले गई। उसके बाद फिर सुमात्रा लेकर चली गई। दे वेर डिलेड देयर फॉर मेनी मंथ्स। और इस वजह से, रास्ते में कठिनाई की वजह से, हवा तेज गति से चल रही थी, स्ट्रांग विंड चल रही थी, इसके वजह से इन लोगों को रास्ते में बड़ी परेशानी हुई और इन लोगों को डिले हो गया, बहुत लेट हो गया। डिले मीन्स क्या होता है बच्चों? लेट हो जाना। डिले लेट लेट Delay डिले डिले मीन्स लेट। इन लोगों को देर हो गया और देर हो गया और इसके बाद बच्चों डिलेड देयर फॉर मेनी मंथ एंड आफ्टर ए मंथ सेलिंग दे रीच्ड पर्शिया। और इसके बाद फिर वो अपनी समुद्री जहाज के माध्यम से पर्शिया पहुंचे, है ना? पर्शिया जहां का वायसराय कौन था? आर्गुन, जिसके साथ प्रिंसेस की, राजकुमारी की शादी हुई थी। अब ये लोग इतने दिन के बाद पर्शिया पहुंच गए। ठीक है बच्चों? अर्थात राजकुमारी अपने घर में पहुंच गई। बात समझ में आ रही है बच्चों? एंड द प्रिंसेस अराइव्ड सेफ एंड साउंड। और राजकुमारी बहुत ही सुरक्षित पहुंच गई। और जर्नी हैड बीन वेरी बैड। और जर्नी जो है, यात्रा जो है, बहुत बुरी थी। बच्चों आज हमने जो आपको बताया इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों? कोई प्रॉब्लम है बच्चों? नो सर। प्रॉब्लम नहीं है तो आज बच्चों आज इतना ही रहेगा और इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर हम आपको बताएंगे इसके बाद कि जब ये लोग वापस होते हैं, जब ये लोग वापस होते हैं बच्चों, तो माने जब राजकुमारी अपने घर पहुंच जाती है, पर्शिया पहुंच जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, इसके बाद की स्टोरी हम आपको नेक्स्ट टर्न पर बताएंगे। और
आज इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी कंफ्यूजन एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इमीडिएटली, आप तुरंत पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसको जानिए कि मार्को पोलो के फादर का नाम निकोलो पोलो और मार्को पोलो के अंकल का नाम माफियो पोलो। इसके बाद ये जो पेकिंग के जो सम्राट थे, एम्परर थे, उनका नाम था कुबलाई खान। और कुबलाई खान के परिवार की जो प्रिंसेस थी, उसकी शादी किससे हुई? पर्शिया के जो वायसराय थे, वायसराय किसको कहते हैं? द गवर्नर ऑफ ए किंगडम हु रूल्स एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ द किंग, राजा के बदले में या राजा के स्थान पर जो राज्य की देखभाल करता है उसको वायसराय कहते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? यस या नो तो बोले आप लोग। यस सर। इसके बाद पर्शिया जो है राजकुमारी की शादी हो जाती है, उसके साथ जो है मार्को पोलो और मैफियो पोलो और निकोलो पोलो जाते हैं। और कुबलाई खान कहता है कि जब यात्रा पूरी हो जाएगी तो मार्को पोलो फिर से वापस लौट करके मेरे पास आएगा, ठीक है ना। ये लोग रास्ते में गए, बड़ी परेशानी हुई, बड़ी परेशानियों का सामना झेलना पड़ा। इसके बाद जो है या किसी भी तरह से देर से जो है पर्शिया पहुंचे और उसके बाद राजकुमारी सुरक्षित पहुंची और जर्नी जो है बहुत पूरी रही, ठीक है बच्चों। तो आज आपको मैं आपको यह चीज बताया, कल इसके बाद की स्टोरी बताऊंगा। आज आप लोगों के लिए होमवर्क यही रहेगा, जो मैंने आपको मीनिंग लिखवाया है इसको मीनिंग को याद करना है। लर्न मीनिंग ऑफ चैप्टर द वॉयस ऑफ मार्को पोलो, ठीक है बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, द टाइम इज गोइंग टू ओवर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आंसर भी ये कौन?
कासना चला था सर बोलो नेट नहीं चल रहा क्या जी तुम्हारा आज फंस रही है कृष्णा सर आ गए जी गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग हेलो गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलो बोलो जरा देखें किसका किसका नेटवर्क सही है यस सर जय सिंह यस सर ठीक है तुम्हारा नम्रता यस सर हेलो यस सर हाँ बेटा अब उसके बाद जब पूछना होगा तो उसको ओपन करना बाकी म्यूट रखो विपुल यादव यस सर हाँ अब इसके बाद म्यूट कर दो अनुराग यादव सर मेरे यहाँ से आवाज आ रहा है म्यूट रखो काजल हेलो यस सर हाँ साहब अब म्यूट कर दीजिए शानित्य कुमार राय हेलो कृष्णा सिंह सानिध्य कुमार राय कहाँ हो तुम लोग सर आयुष गुप्ता चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग यस सर कहाँ तक हुआ था जी 4.3 पढ़ाना है यस सर 4.3 पढ़ाना है कि हो गया इसमें पढ़ाना है अब देखो कह रहा है कि सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग यूजिंग नंबर लाइन 6 फ्रॉम -9 अब देखो हमारा जो है इस तरह से हमारा नंबर लाइन हो गया ये हो गया हमारा जीरो दिखाई दे रहा है बोलो यस सर यस सर जीरो हो गया इधर हम जाते हैं तो हमारा निगेटिव नंबर होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6
-7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, और ये हो गया -15, ये हो गया 1, अब इधर पॉजिटिव हमारा इंटीजर आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। अब कह रहा है कि सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग यूजिंग नंबर लाइन, कह रहा है 6 फ्रॉम -9, -9 से सब्सट्रैक्ट करना है 6 को, ठीक है। तो अब हमारा क्या है पे, हमारा -9 ये है और -6 हमको और आगे जाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि आ गए हम कहां, -15 पे, ठीक है। यहां से हम जंप किए 1, 2, 3, 4, 5, 6, हो गया -15। हेलो, यस सर। हाँ, अब देखो कह रहा है 2 from -7, ये ए हो गया, ये बी, 2 from -7, यानी कि -7 से हम माइनस करेंगे 2 को, तो ये हो जाएगा बेटा -7 हमारा यहाँ पे है और 2 हम आएंगे तो 1 और 2, ये हो जाएगा -7 - 2 = -9, ये 9 आ जाएगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है, बोलो। हेलो, यस सर। अब देखो सी, देखो कह रहा है सी -9 from -8, यानी कि -8, -9। अब ये हो जाएगा हमारा -8, अब -, प्लस हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा -8 हमारा यहाँ पे है ये, और +9 हमको जाना है, तो प्लस जाने के लिए हम इधर जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कहाँ पे आ गए हम, 1 पे आ गए, तो ये हो जाएगा 1, समझ में आया। हेलो, यस सर। अब देखो डी, देखो डी, डी कह रहा है -5 from 5, यानी कि 5 - -5, यानी कि हमारा 5 ये है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5 + 5, यानी कि 5 टाइम्स हमको पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये हो जाएगा 10 हमारा हो जाएगा, तो इक्वल टू 10 हो गया, समझ में आया, बोलो। यस सर। आंसर चेक कर लो, -15, -9, 1 और 10, यस सर, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये पूरा फिगर बना लीजिए, जैसे जैसे हमने किया है इसको करके दिखा दीजिए नंबर लाइन पे, ठीक है। हाँ, एक ही फिगर बना के या अलग अलग या नंबर लाइन बना के सारे क्वेश्चन को अलग अलग दिखा देना, उस तरह से उस पर ऐड नहीं करना है, इस तरह से सीधे दिखा देना नंबर -9 और -6, यानी कि -9 से ऐसे जंप करा के -15 पे ले जाके रोक देना, समझ में आ रहा ना बेटा। चलो करो, जल्दी करो, इसके बाद अगला क्वेश्चन चलें। सर हो गया, दो मिनट, सभी लोगों चारों क्वेश्चन हो गया, यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, तब इसको इरेज कर दें। यस सर, यस सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अब हमको पहला क्वेश्चन जो था वो नंबर लाइन को यूज करके बताना था, दूसरे में हमको नंबर लाइन यूज नहीं करना है,
तो कह रहा है सबट्रैक्ट 34 फ्रॉम 98 माइनस 98 यानी कि माइनस 98 से हमको सबट्रैक्ट करना है 34। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। माइनस 98 माइनस 34। अब देखो दोनों माइनस माइनस हो गया तो माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा 98, ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस 34। ये हो जाएगा माइनस हमारा 8 4 12 का 2 कैरी 1 9 3 12 113 132 हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। कर लो इसको। बी देखो, ये ए था बी देखिए, कह रहा है माइनस 80 सब्सट्रैक्ट करना है किसमें से? 55 से। तो 55 माइनस माइनस 80। अब देखो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 55 तो रहेगा और माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएंगे सब, मल्टीप्लाई होगा तो। और ये हो गया 80 तो ये हो जाएगा 5 और 135 आंसर। समझ में आया? यस सर। अगला देखो सी नीचवा। हेलो आशुतोष पांडे आ गया क्या? चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड का सी। सेकंड का सी कह रहा है बेटा कि आप लोगों को 100 सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से? माइनस 63 से। तो माइनस 63 में सब्ट्रैक्ट करना है क्या? 100। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 63 माइनस 100। ये माइनस कॉमन ले लोगे तो 63 प्लस 100 ये हो जाएगा माइनस 163 आंसर। बोलो। हेलो। यस सर। समझ में आया? यस सर। अब देखो अगला डी। डी में कह रहा है सब्ट्रैक्ट माइनस 99 फ्रॉम माइनस 199 यानी कि माइनस 199 से सब्सट्रैक्ट करना है माइनस 99। ठीक है। अब देखिए ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये माइनस और माइनस टकराएंगे सब। ठीक है। तो 199 तो हो गया और ये टकरा के हो जाएंगे सब प्लस और ये हो जाएगा 99। अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है तो इसमें से 99 कैंसिल हो जाएगा तो वह माइनस 100 बचेगा। 100 इसलिए बचेगा क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है, इसके साथ जो साइन है माइनस है तो बड़े वाला का साइन यहाँ लग जाता है और ये सब्सट्रैक्ट हो जाता है दोनों अगर अनलाइक है तो। समझ में आया? बोलो। यस सर। ठीक। अब बाकी आप लोग कर लेंगे। ई एक तो देख लो, खाली ई बता दे रहे हैं, इसके बाद हाई करके बताओ कितना होगा। ठीक है। हेलो। हेलो। यस सर। यस सर। अनुराग। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। कृष्णा। यस सर। इसके बाद आयुष गुप्ता। हेलो। यस सर। ठीक। देखिए और बता दी, इसको नोट कर लो, नोट करते चलो तुम लोग, कॉपी पे नोट कर लो। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि -256 फ्रॉम 0, 0 से में से सब्सट्रैक्ट करना है आपको -256। समझ आ रहा ना? यानी कि ये हो जाएगा 0 और ये माइनस माइनस टकराएंगे सब प्लस हो जाएगा और 256। अब 256 में 0 ऐड कर दो तो 256 ही होगा। ठीक है। बोलो। हेलो। यस सर। अब ये तीन क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा।
बोलिए तो साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो साफ दिख रहा है ना साफ दिख रहा है देखो ठीक से एकदम साफ तो दिख रहा है हाँ इसको नहीं दिख रहा है ना चश्मा लगाएगा तब इसको दिखाई देगा तो लग रहा नेटवर्क प्रॉब्लम है इसको कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसको आवाज इसकी साफ क्यों आई दे रही तो दिखाई नहीं दे रहा होगा चलो यश वाला देख लो कह रहा है कि माइनस 3542 फ्रॉम माइनस 6791 तो माइनस 6791 में से सब्ट्रैक्ट करना है क्या माइनस 3542 अब देखिए ये तो माइनस आ जाएगा 6791 और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3542 अब ये प्लस है ये माइनस है ये बड़ा वाला नंबर है तो इसका साइन माइनस आ जाएगा यहाँ अब इसमें से इसको घटा देंगे 11 माइनस 2 9 हो जाएगा 8 माइनस 4 4 हो जाएगा 7 माइनस 5 2 हो जाएगा और 6 माइनस 3 आंसर देखो तो माइनस 3249 आंसर हेलो हेलो यस सर आंसर कितना आया है यस सर क्या यस सर जी आंसर कितना आया है देख कर बताते सर माइनस 180 है माइनस 180 है कितने नहीं आ रहा तुमको यच वाला है क्वेश्चन नंबर 2 का यच सर सही है सर इतना ही आ रहा है सर सही है कर लो तो सही है चलिए कर लीजिए इसको क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं अब दो क्वेश्चन है तुम लोग करना है दोनों कर लेना यफ और जी बोलो हेलो यस सर एफ जी कर लेना अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं यस सर कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको बॉक्सेस के पेपर ग्रेटर देन इक्वल टू फिट करना है तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है ए वाला -2 -3 सर दिखाई नहीं दे रहा है हो गया और ये है -3 -8 अब देखो ये हो जाएगा -2 अब -3 हो गया ये बॉक्स हो गया ये हो गया -3 अब -+8 ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा तुम्हारा 5 अब देखो 1 बड़ा है कि 5 सर 5 5 बड़ा है ना यस सर तो जो बड़ा होगा उसके सामने ये वाला मुंह ऐसे खोल देना यस सर यस सर 1 इज लेस देन 5 या 5 इज ग्रेटर देन 1 इसको पढ़ेंगे ठीक है बोलो हेलो यस सर चलिए कर लीजिए इसको बी वाला करके बताओ क्या होगा
बी वाला करके बताइए, माइनस फोर माइनस माइनस टू बॉक्स, इसके बाद आता है माइनस सिक्स माइनस थ्री, अब ये हो जाएगा माइनस फोर प्लस टू, ये हो गया बॉक्स, ये हो गया माइनस नाइन, ये हो गया माइनस टू और ये हो गया आपका माइनस नाइन। अब ये बताओ कि माइनस टू ग्रेटर है कि माइनस नाइन? माइनस टू। वेरी गुड, माइनस टू ग्रेटर है तो इसको क्या करेंगे, ऐसे ओपन कर देंगे इधर साइड, ठीक है, तो माइनस टू इज ग्रेटर देन माइनस नाइन हो गया, ठीक है? ठीक है सर। चलो तुमको तो समझ में आ गया, बाकी सब क्या कर रहे हैं सर? हेलो, यस सर। चलो सी वाला करो, सी वाला। हाँ सी वाला, बाकी लोग कौन कौन है? ये किसका हुआ है, कृष्णा तुम्हारा हुआ है? चलिए करिए आगे। अब चलो हम डी वाला तुम लोगों को बता देते हैं, डी या लास्ट वाला एफ वाला, एफ वाला बता देते हैं, इसके बाद करना तुम लोग। दिया है 17 माइनस, सॉरी वाला इक्वल इक्वल है, इजी बॉक्स है, और ये है 19 माइनस माइनस 12, ये हो जाएगा बेटा 17 और माइनस माइनस प्लस 14, ये हो जाएगा 19 और माइनस माइनस प्लस 12, ये बॉक्स हो गया। सर ये इक्वल इक्वल है। यस सर इक्वल इक्वल है। 7 4 11 का इक्वल इक्वल 31 और ये इक्वल इक्वल 1 और 3 31, तो यहां पे दे देंगे इक्वल। हम को इक्वल इक्वल है सी वाला, सी वाला। यस सर सी, सी नहीं किया हो तुम लोग? नो सर। देखो सी देखो, माइनस 18 है, ये बॉक्स है, और तुम्हारा हो गया 4। तो इसका भी सर इक्वल है माइनस 22, तो ये हो गया माइनस 18 और ये हो जाएगा बॉक्स और ये हो जाएगा माइनस 18, ये दोनों इक्वल हो गए। चलो हो गया, यहाँ तक कर लीजिए आप लोग सब, तो हमने इसका कर लिया सर, बताए हैं। अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, अब इसको जो माइनस वाले हैं एक साथ जोड़ो, प्लस वालों को एक साथ जोड़ो, ठीक है? यस हेलो, यस पहले 3 + 8 हाँ। 3 + 8 ऐड करो, 3 + 8 कितना होगा? 11 और ऐड करो -6 -6 -10 -12 सर ये हो जाएगा -28 तो +11 -28 कितना होगा? +11 -28 -17 वेरी गुड, ठीक है? यस सर। समझ में आ गया ना? यस सर। अब इसी तरह से इसको करेंगे, -10 बी वाला, 4 का बी क्या है हमारा क्वेश्चन, -10 है माइनस माइनस 4 है, ठीक है, अब प्लस माइनस 5 है। अब देखो ये -10 हो गया, ये प्लस 4 हो गया और ये प्लस माइनस माइनस हो गया 5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -15 होगा, प्लस इक्वल टू होगा माइनस 11। यस यस सर हो जाएगा सब लोगों का।
Yes, sir. Yes, sir. Yes. सबको समझ में आया जी? सर समझ में आ गया। जय सिंह। सर हमको नहीं समझ में आया। कहाँ थे तुम? बोलो वीडियो बंद किए हो? यस सर। हेलो सर वीडियो ऑन किए बंद किए? बंद किए दिखाई दे रहा है? यस सर। तो देखो क्या है, ये माइनस टेन है, ठीक है? यस सर। और माइनस ब्रैकेट में माइनस फोर है। यस सर। प्लस ये माइनस फाइव है। अब देखो माइनस टेन तो हो गया और ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, ठीक है? यस सर। प्लस फोर हो गया और ये प्लस और माइनस मिल के माइनस हो जाएगा। यस सर। है क्योंकि प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है, ठीक है? यस सर। तो अब ये देखो माइनस टेन और माइनस फाइव दोनों मिलके माइनस फिफ्टीन हो गए, ठीक है? यस सर। देखो तुम्हारे पास मान लो टेन ब्लैक पेन है और हम फाइव ब्लैक पेन और दे दिए तो तुम्हारे पास कितना ब्लैक पेन हो गया? टेन, अरे फिफ्टीन। फिफ्टीन हो गया ना? यस सर। इसमें से हमने फोर पेन ले लिया तो कितना तुम्हारे पास बचा ब्लैक पेन? फिफ्टीन में से फोर हमने ले लिया तो कितना बचे? बोलो। हेलो सर। फोर्टीन माइनस फिफ्टीन में से फोर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस इलेवन। माइनस इलेवन, ठीक है? यस सर। तो ये हो जाएगा सारा। ये देखो सी वाला देख लो। yes, वाला कह रहा है ये माइनस टेन है, ठीक है? और ये माइनस माइनस टेन है और फिर माइनस माइनस टेन है। ये हो गया माइनस टेन। अब ये माइनस और माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो जाएंगे सब, तो टेन हो गया। और ये माइनस माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो जाएंगे सब, ठीक है? टेन, ये माइनस टेन से प्लस टेन कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा टेन। आंसर है। बोलो। हेलो हेलो यस सर। हेलो यस सर। आ रहा है यस सर। ठीक चलिए तो कर लीजिए इसको, बाकी क्वेश्चन नंबर फोर का कर लीजिएगा सारा। फाइव शुरू कर दें, इसमें से कोई पूछना है बोलो जी। सानिध्य नम्रता काजल काजल हेलो। यस सर। समझ में आ गया बेटा? यस सर। आयुष गुप्ता तुमको समझ में आया? आयुष गुप्ता हेलो। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए। अब देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर फाइव, माइनस ये फाइव माइनस ये बॉक्स है इज इक्वल टू माइनस सिक्स, ठीक है? यहां पे माइनस सिक्स हमको लाना है इस बॉक्स में। ऐसा सर इसमें इलेवन रहेगा बॉक्स में। हाँ इलेवन, ठीक है? माइनस सिक्स आ जाएगा यहाँ पे, इलेवन रख देंगे तो फाइव माइनस इलेवन इज इक्वल टू माइनस सिक्स, ठीक है? बोलो
इसी तरह से ए हो गया ये बी, क्या होगा हमारा माइनस टेन माइनस, इस बॉक्स में वो नंबर रखना है जो कि आपका आ जाए माइनस सिक्स, तो यहाँ पे माइनस फोर रखेंगे तो माइनस 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 टेन और प्लस फोर हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस सिक्स, यानी कि बॉक्स में रखेंगे हम माइनस फोर। समझ में आ रहा है? हेलो यस सर, यस सर। ठीक है, तब इसको कर लीजिएगा, फाइव तक कर लीजिएगा, इसके बाद कल हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है? हेलो ठीक, चलो अभी टाइम है, तुम लोग थोड़ा आगे करो, इसमें बाकी क्वेश्चन करो, इसका फाइव और फोर कंप्लीट करो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंप्लीट हो गया है, फोर्थ और फाइव का सारा क्वेश्चन जो जो छोड़े हैं अभी कंप्लीट करो। हेलो सर। हाँ बोलो। फाइव का सी डी और ई एफ कंप्लीट करिए, यहाँ पे ई वाले में क्या रखोगे, ई वाले में देखो, ई वाले में बॉक्स है ये माइनस सर माइनस इलेवन, माइनस इलेवन है ना, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा बॉक्स आई माइनस माइनस प्लस हो गया इलेवन, हमको जीरो लाना है तो यहाँ पे माइनस इलेवन रख देंगे तो माइनस इलेवन प्लस इलेवन दोनों कैंसिल हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, यानी कि इसमें होगा माइनस इलेवन, ठीक है? बोलो बोलो जी। यस सर माइनस इलेवन आंसर। यस सर। अब 31 माइनस है बॉक्स में है तो माइनस फोर रख दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 31 प्लस 4 35 हो जाएगा, समझ में आ रहा ना? 35 इसमें माइनस फोर रखेंगे। हेलो यस सर। ये 31 है अब माइनस है, अब बॉक्स में हमको क्या रखना है, माइनस फोर रख देंगे तो ये हो जाएगा 35, यानी कि 31 और माइनस माइनस प्लस 4, 31 प्लस 35 इज इक्वल टू 35, ठीक है? यानी कि ये बॉक्स के अंदर आएगा हमारा माइनस 4, समझ में आ रहा है? हेलो हेलो। यस सर। इस तरह से होगा, करिए आप लोग इसको। फाइव तक कंप्लीट कर लेना, कल सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व बताएंगे। कहाँ पे कंप्लीट हो गई है बोलो। हेलो कहाँ पे कंप्लीट हो गई है जी? हेलो
गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. हाँ हेलो डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू माय वॉइस? Are you listening? Okay. तो चलिए हम लोग क्या आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर पे आते हैं. ठीक है. नंबर ई, वेरी शॉर्ट आंसर हम लोग कराना है आज. वेरी शॉर्ट. यस सर, वेरी शॉर्ट आंसर. वेरी गुड. सभी लोग आप कॉपी निकाल लीजिए फटाफट. वेरी शॉर्ट. सरुक के निकाल रहे हैं. सर रुक जाइए, रफ कॉपी निकाल रहे हैं. हो गया सर. ओके ओके. पहला क्वेश्चन आपका है, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज फिक्स्ड शेप एंड वैल्यू. इसका शेप फिक्स होता है और वैल्यू फिक्स होता है. कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है बताइए, बताइए सभी लोग. सॉलिड, सॉलिड्स नोट करिए. पहला समझ में आया सर आपको? बोलिए. यस सर. आंसर लिखिए सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर. आपका आंसर क्या रहेगा? सॉलिड मैटर. सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर. दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर लिक्विड्स व्हिच मिक्स विद ईच अदर कार्ड. What are liquids which mix with each other card? Miscible liquids. Answer क्या होगा आपका? Miscible liquids. M I S C I B L E L I Q U I D S. M I S C I B L E. Miscible liquid. हाँ हो गया. आंसर नंबर थर्ड क्वेश्चन आपका है, विच लिक्विड इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट. किस प्रकार के लिक्विड को हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर क्या कहेंगे? वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. लिखेंगे आंसर, वाटर इज, वाटर इज नोन एज ए, नोन एज ए यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सॉल्वेंट. हो गया. सभी नोट करते रहिए फटाफट. यस सर. ध्यान दीजिए सभी. चौथा क्वेश्चन आपका है, फोर्थ क्वेश्चन आपका है, इन विच स्टेट कैन ए मैटेरियल चेंज इट्स शेप बट नॉट इट वैल्यू. उसका शेप तो चेंज हो सकता है बट उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती है. तो बताइए कौन सा स्टेट होगा. बताइए. हाँ
नहीं पता। शेप उसकी क्या होती है? चेंज होती है, बट उसकी वॉल्यूम क्या होती है? चेंज नहीं होती है। तो क्या होगा लिक्विड स्टेट? आंसर आपका क्या होगा? लिक्विड। आंसर नंबर फोर लिखिए लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट नोट करिए, नोट करिए आप लोग, नोट करिए। कंप्लीट हो गया आपके वेरी सॉल्व आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। रुक जाइए, रुक जाइए। डोंट मेक अनवाइज इन द क्लास, ड्यूरिंग क्लास डोंट मेक अनवाइज। आप सभी को शोर नहीं करना है, जिसका हो जाएगा आंसर प्लीज साइलेंट रहेंगे। स्टूडेंट्स को करने दीजिए। Question है, define density. Density क्या होता है? Answer लिखिए आप लोग। Mass per unit volume. Each car density. Density is equal to mass upon volume. Note कर लीजिए। Mass per unit volume is called density. Density is equal to mass upon volume. हो गया बेटा? रुक जाइए। यस सर। हो गया, हो गया। थोड़ा सा चेंज करिए डेफिनेशन। The mass per unit volume. The mass per unit volume. The mass per unit value. Change कर लिया अपना, आप लोग चेंज कर लीजिए। आप ये सब बोली ना, वो अंडा नोट करिए सभी लोग। The mass per unit volume of a substance is called density. Density is equal to mass upon volume. हो गया बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर है सेकेंड। व्हाई आर सम मटेरियल्स
लश्चरस। क्यों? कुछ मटेरियल हमारे लश्चरस होते हैं। तो आंसर लिखेंगे आप, आंसर नंबर टू, आंसर नंबर टू आप सभी लिखेंगे, आंसर नंबर टू लिखिए सभी लोग, आंसर टू लिखिए, बिकॉज बिकॉज मटेरियल्स हैव, बिकॉज मटेरियल्स हैव, मटेरियल्स हैव, मटेरियल्स हैव, हैव सॉरी, बिकॉज सम ऑफ द लाइट फॉलिंग, बिकॉज सम ऑफ द light, because some of the light falling on their surface, falling on their surface, because some of the light falling on their surface gets reflected. Gets reflected. Reflected. Are some materials lustrous? Are some materials? It is my ear. Are some materials? Luster. L-U-S. S-T-R-O-U-S. Note kar lijiye sabhi log. Sir. सर ये क्या लिखे हैं लस्टर? सुनिए, बिकॉज सर लस्टर की स्पेलिंग एक बार और बोल दीजिए। ऑन देयर सरफेस गेट्स रिफ्लेक्टेड आर सम मटेरियल्स लस्टरस। कुछ मटेरियल लस्टरस क्यों होते हैं? क्योंकि वह शाइन करते हैं। किस कारण शाइन करते हैं? बिकॉज सम ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन देयर सरफेस गेट रिफ्लेक्टेड। कुछ के क्या है कि सतह पर लाइट हमारी पड़ती तो वह रिफ्लेक्ट कर जाता है, रिफ्लेक्ट करने के साथ साथ हमारा क्या होता है, चमकता है। हो गया सभी का फटाफट नोट करिए। हो गया सभी लोगों का? हो गया? यस सर। चलिए ठीक है। आंसर नंबर थ्री, आई खाली सर लिखा था आंसर नंबर थ्री लिखेंगे आप सभी। सभी लोग आंसर नंबर थ्री देखेंगे, ठीक है? चलिए आइए आंसर नंबर थ्री।
क्वेश्चन है हाउ डू एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल सर्वाइव इन वाटर, कैसे प्लांट्स और एनिमल हमारे वाटर में सर्वाइव करते हैं, कैसे करते हैं? चलिए आइए, लिखिए, plants and animals living in water use gases for their survival like carbon dioxide carbon dioxide and oxygen are soluble in water water for their survival हो गया सभी का, हो गया आप लोग का? नो सर। सर वीडियो रुक गया है। क्या बेटा? सर साफ नहीं दिखा है। Plants and animals living in water use gases like carbon dioxide and oxygen or solvent in water for their survival. Are you sabhi log? Kara, what does the choice of material to make an object depend on? Question number 4 hai aapka. To question number 4 ke liye aap log answer likhenge. Answer number 4. Likhiye. The choice of the material to make an object depends on number 1 its properties number 2 the purpose for which the object is to be used हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट। हो गया, हो गया। आइए आंसर नंबर 5। सर रुक जाइए। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आंसर 5 लिखा रहा है मैं आपको।
देखिए द मॉलिक्यूल्स भी है. आंसर नंबर फिफ्थ द मॉलिक्यूल्स भी है. द मॉलिक्यूल्स बिहेव इन सॉलिड्स. बिहेव इन सॉलिड सॉलिड्स लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस डिपेंडिंग ऑन द शेप and volume. हो गया. हो गया सर. हो गया. चले आइए आंसर नंबर सिक्स. नो सर. सभी का फोर्थ नंबर क्वेश्चन तो हो गया होगा. यस सर. आंसर ठीक हो गया आपका. आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स. यस सर आ गए. क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स. ऑल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या है. Materials are the properties of all objects. Number six, likhiye materials. Materials are the properties of all objects. Materials are the properties of all objects. Okay, beta. Okay, beta. Some properties of materials are lustrous, texture. दिख रहा है आप सभी को. आपको दिख रहा है ना. सम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स आर लस्टरस टेक्सचर एंड स्मेल. हो गया बेटा. ऑल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. मटेरियल्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स फुल स्टॉप. या फुल स्टॉप लिखने के बाद लिखिए सम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स आर लस्टरस टेक्सचर एंड स्टेट. हो गया बेटा. Oh yes, sir. Okay. Answer number 7. Kya hai question?
हाउ आर ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स रिलेटेड, कौन सा ऑब्जेक्ट हमारे मटेरियल से रिलेटेड है, हाउ आर ऑब्जेक्ट्स मटेरियल रिलेटेड, इधर लिखेंगे ऑब्जेक्ट्स, इधर लिखेंगे मटेरियल्स, ठीक है। चेयर लिखेंगे पहला में, चेयर मटेरियल पे क्या क्या हो जाएंगे, वुड प्लास्टिक और आयरन, वुड प्लास्टिक एंड आयरन, बकेट लंच बॉक्स, बकेट और लंच बॉक्स में लिखेंगे, बकेट लंच बॉक्स में क्या क्या मटेरियल लग रहा है, तो प्लास्टिक लगेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स अलग बनाएंगे सिंबल और मटेरियल अलग, ये चेयर मैंने लिखा है, दो एग्जांपल मैंने लिखवा दिया, चेयर से ऑब्जेक्ट हो गया, मटेरियल का लग रहा है वुड लग रहा है, प्लास्टिक लगेगा और आयरन लग रहा है, बकेट और लंच बॉक्स और ऑब्जेक्ट्स है, मटेरियल क्या लग रहा है, प्लास्टिक लग रहा है, हो गया बेटा, हो गया सभी का, सभी लोगों का हो गया, आंसर नंबर 8, लिस्ट 5 ऑब्जेक्ट मेड यूजिंग ग्लास, आंसर लिखिए, 5 ऑब्जेक्ट्स, 5 ऑब्जेक्ट्स मेड यूजिंग ग्लास, made using glass are, glass से बने हुए हमें 5 ऑब्जेक्ट आपको बताने हैं, सभी लोग का हो गया 7th नंबर, बोलिए यस और नो, सभी लोग का हो गया, यस सर, चलिए आप जी आप बताइए इसका आंसर होता है, सभी लोग ग्लास से क्या क्या ऑब्जेक्ट बताइए, ग्लास से बने हुए 5 ऑब्जेक्ट का नाम बताइए, ग्लास से बनाए, ग्लास से हमें बताना है 5 ऑब्जेक्ट के नाम, फाइव ऑब्जेक्ट ना बताइए, मैटेरियल हमारा क्या हो गया, ग्लास, अब हमें बताना क्या है, ऑब्जेक्ट्स बताने, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स मिल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 ग्लास से हमें बनाने क्या क्या हमारा बन सकता है, पहला आप लिखेंगे ग्लास जग, ग्लास जग, जे जग आप बना सकते हैं, ग्लास हाउस बना सकते हैं, ग्लास हाउस बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं बताइए, तो ग्लास कप, हाँ कप भी बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं बताइए, तो
and glass table. Very good. Table has can, glass can kya has can, cup has can, glass can kya has can, window. So glass plate. बन गया ना, देखिए पास हो गया, ग्लास जार, ग्लास हाउस, ग्लास टेबल, ग्लास कप, ग्लास विंडो, बन गया ना फाइव ऑब्जेक्ट्स, बन गया कि नहीं? नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट करिए, नोट करिए, आंसर नंबर एट आपका कंप्लीट हो गया है। सर लास्ट में क्या है? ग्लास, सर लास्ट में क्या है? विंडो, विंडो ग्लास की खिड़की होती है ना, ग्लास की खिड़कियां। हाँ हाँ, ये विंडो मैंने लिखा, ये मैं विंडो लिखा। हो गया, हो गया सर। हाँ हो गया, चलो ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट आंसर कंप्लीट, आपके लॉन्ग आंसर चल रहे हैं ना। हो गया सभी का? यस सर। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन आपका है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर जी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर नंबर वन, क्वेश्चन क्या रहा है? व्हाट इज क्लासिफिकेशन, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। क्लासिफिकेशन क्या होता है और इसके एडवांटेजेस के बारे में आपको बताना है। चलिए क्लासिफिकेशन क्या होता है वो लिखिए, पहले लिखिए ग्रुपिंग सिमिलर, ग्रुपिंग सिमिलर लिखते हैं आपको, ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स अकॉर्डिंग टू सम बेसिस, टू सम basis and criteria, criteria is called classification, हो गया। अब हमको आगे बताने हैं advantages of classification, advantages of classification, classification advantages of classification, number one, classification makes, classification makes it easy to judge, it easy to judge, J-U-D-G-E, judge differences between, differences between, differences between two groups. Number second, it gives a general idea, it gives a general idea about all the items, about all the items, all the items in the group, in the group, G R O U P. Okay. About all the. हो गया सभी का? Yes, sir. हाँ, note कर लीजिए.
और तीसरा नंबर क्या आप लोग लिख लीजिएगा, क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी, क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ ए लार्ज नंबर, ऑफ ए लार्ज नंबर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ईजी कॉमा सिंपल कॉमा सिस्टमैटिक एंड कन्वीनियंट CONVENIENT बस सभी हो गया, आज का नंबर वन कंप्लीट। सर इतना बड़ा हो गया, सभी का हो गया? यस सर। रुक गया सभी का हो गया बेटा, बताइए सभी को हो गया क्या? सभी को हो गया? हेलो एवरीवन, चलिए तो कल मिलेंगे नॉन आंसर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए आप लोग घर पे पढ़िए, क्वेश्चन कंप्लीट करिए। Bye everyone. Good morning to all of you.
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा बेटा बुक बुक निकालो, बुक खोलो बेटा। चैप्टर कौन सा ले? चैप्टर 8 पढ़ा रहा था मैं, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में, पेज नंबर 183, रूरल लेवलीहुड, गांव के लोगों की आजीविका, पेज नंबर 183। बैक चार्जर 16% होल्ड दे। पेज नंबर 184 निकालो, पेज नंबर 184, फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स। ठीक है, मैं आपको क्या बताया था, मैं आपको बताया था कि इन रूरल एरियाज द मेन वर्क फॉर लेवलीहुड इज फार्मिंग। ठीक है, खेती मेन काम होता है जिससे ज्यादातर किसान या गांव के लोग अपना आजीविका चलाते हैं, अपने लिए भी अनाज या अनाज पैदा करते हैं, ग्रेन्स, और जो एक्स्ट्रा होता है उसको बेचते हैं। मैं आपको ये भी बताया था कि जो किसान होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कुछ ऐसे किसान होते हैं, दे आर सम फार्मर्स हु हैव अ बिग लैंड, अ बिग और अ लॉन्ग लैंड होल्डिंग। कुछ ऐसे किसान होते हैं जिनके पास छोटी छोटी जमीनें होती हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीनें नहीं होती हैं, उनको स्मॉल फार्मर्स कह सकते हो। जिनके पास बहुत ज़्यादा बड़ी ज़मीनें हैं उनको काश्तकार भी कहा जाता है। ठीक है, या बिग फार्मर्स बोलते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे किसान होते हैं जो लैंडलेस होते हैं। लैंडलेस मतलब उनके पास कोई जमीन नहीं होती है। ठीक है, तो जो बहुत बड़े किसान किसान जो बहुत ज़्यादा ज़मीन वाले किसान होते हैं वो लैंडलेस किसान को क्या करते हैं, अपनी जमीन दे देते हैं कि लो इस पे खेती करो, अगर उनके पास टाइम नहीं हो, और जो होगा उसका वो मजदूरी देते हैं, वेजेस देते हैं, वेजेस। तो इस गाँव में ही उनको एक पैसा आने का साधन मिल जाता है। या जो होता है अधिया, अधिया मतलब कि भाई खेती खेती तुम करो, जमीन मेरी है, तो जो भी प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन का एक निश्चित पार्ट तुम रखोगे, एक निश्चित पार्ट मैं रखूंगा। तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात होती है कि आप दोनों में, उन दोनों में क्या बात हुई है। तो जमीन के मालिक हैं वो लैंड ओनर, और जो लेबरर की तरह काम करने वाला बंदा है उनके खेत में, उन लोगों के बीच में कितने परसेंट पे या कितने पार्ट पे समझौता होता है। ठीक ना, वो ऐसा कोई नियम नहीं होता है, वो अलग अलग जिसका जो समझ में आता है वो समझौता होता है। तो प्रीवियस क्लास में, इन माई प्रीवियस क्लास आई हैव टॉट यू दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फार्मर्स इन rural area. The first one is big farmer who has a lot land. They are the owner of a big land. And the second one is small farmers. Small farmers have little quantity of land. And the third one is landless farmer. Landless farmer means the person who are living in rural area but he has no land because so he is poor. And what he does, he works hard on for the land of big farmers as a laborer or as any mutual agreement or mutual contract. Means मैं आपको क्या समझाया, किसान 3 टाइप के होते हैं, एक बहुत बड़े किसान जिनके पास जमीनें ज्यादा होती हैं, एक छोटे किसान जिनके पास जमीनें कम होती हैं, और तीसरा वो किसान जिनके पास जमीनें नहीं होती हैं, वो अपनी आजीविका चलाने के लिए बड़े किसानों की जमीन पे खेती करते हैं, या तो मजदूर की तरह खेती करें और रोज का रोज रात शाम को शाम होते होते 200-400 जो भी मजदूरी उसको लेके घर जाएं, या एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करें, एग्रीमेंट बेसिस पे काम करें कि जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका इतना पार्ट हम रखेंगे, इतना पार्ट आप रखिएगा। ठीक है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है। उसके बाद मैं आपको क्या बताया था, उसके बाद मैं आपको बताया था कि जो लार्ज फार्मर होते हैं, क्योंकि उनकी जमीनें बहुत ज्यादा होती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो खेती के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीन खरीदते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा भी ज्यादा होता है, तो खेती के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीन खरीदते हैं और उन मशीनों से करते हैं, क्योंकि जमीनें उनकी बड़ी होती हैं। अगर बहुत ज्यादा जमीन है, मान लो 50 बीघा 100 बीघा, तो उस पर अगर तुम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीनें खेती करने वाले नहीं खरीदोगे तो बहुत सारे मजदूर लगाने पड़ेंगे। तो जितने मजदूरों का मजदूरी दोगे, वेजेस दोगे, उतना तो प्रोडक्शन में नहीं हो पाएगा। इसलिए बड़ी मशीनें, बड़ी जमीन पे
जल्दी जल्दी काम करती हैं, जितना भी खेती से काम होता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? मेरी आवाज आ रही है? कृष्णा सिंह, श्वेता शर्मा, दे आर ओनली टू स्टूडेंट्स हु आर ज्वाइनिंग क्लास टुडे। कृष्णा सिंह, श्वेता शर्मा। यस सर। You are getting my voice or not? Can you hear me? Can you listen me properly or not? You are getting me or not? मैं जो बोल रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, मेरी आवाज आपको आ रही है कि नहीं? सर आ रही है, थोड़ा थोड़ा फंस के आ रही है। हाँ तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पेज नंबर 184 निकाल लो, अगला टॉपिक है तुम्हारे बुक में फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग, मतलब वो किसान जिनके पास थोड़ा कम जमीन है, वो क्या करते हैं। देखो लिखा है किताब में, द ग्रुप ऑफ पीपल ओन ओनली अ फ्यू एकर ऑफ लैंड एंड दे कल्टीवेट लैंड देमसेल्फ। जिनके पास बहुत कम जमीन होती है, कुछ ही एकड़ जमीन होता है, वो अपनी जमीनों पे खेती खुद करते हैं। दे ग्रो सेलेक्टिव क्रॉप्स ऑन देयर लैंड, वो हर चीज नहीं उगाते हैं, केवल सेलेक्टिव चीजें उगाते हैं जिनका उनके जीवन में इस्तेमाल हो और जिनको वो बेच के ज्यादा पैसा कमा सकें। दे ग्रो सेलेक्टिव क्रॉप्स ऑन देयर लैंड एंड आर एबल टू प्रोड्यूस वेरी लिटिल, और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं क्योंकि जमीन कम होती है, तो एक लिमिटेड मात्रा में ही वो प्रोडक्शन करते हैं। देखो आए क्या है, इवन दो दे कुड प्रोड्यूस इनफ टू फुलफिल देयर नीड एंड सेल अ लिटिल व्हिच इज लेफ्ट ओवर इन द मार्केट, वो बस इतना ही प्रोड्यूस करते हैं कि उनकी पूरी नीड पूरी हो जाए, और पूरी नीड पूरी होने के बाद कुछ बच जाता है एक्स्ट्रा, इसको वो मार्केट में बेच देते हैं। दे डू नॉट यूज मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एंड यूज कैटल टू परफॉर्म देयर एग्रीकल्चर फंक्शन, बोल रहा है कि उनके पास इतना ना तो पैसा होता है ना तो इतने इंटरेस्टेड होते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में या बहुत आधुनिक मशीनें खरीदें खेती करने के लिए। वो क्या करते हैं, कैटल्स का यूज करते हैं, मतलब पशुओं का यूज करते हैं, जैसे गाय का, भैंस का, बैलों का, इनका यूज करते हैं। वो कहाँ पे, अपने खेतों में परंपरागत, मतलब ट्रेडिशनल मेथड अपनाते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच अपनाते हैं, ठीक है। व्हाट यू कैन से दिस टाइप ऑफ मेथड, यू कैन से This is a traditional approach, a traditional method for doing farming, yeah, for agriculture method. You are applying traditional method, ठीक है। तो आप traditional को use कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, पशुओं का use कर रहे हैं। पशुओं का इस्तेमाल खेती में मुझे लगता है हजारों सालों से होता आ रहा है, पहले के लोग थे। हाँ बेटा नेटवर्क का इशू होगा, ठीक है। तो देखो ट्रेडिशनल मेथड ही होता है, ठीक ना। रुक जाओ एक मिनट, हम आते हैं। हाँ तो देखो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था आपको कि वो मॉडर्न मेथड यूज नहीं करते हैं, वो कैटल्स का सहारा लेते हैं। क्यों लेते हैं सहारा कैटल्स का, क्योंकि ये बहुत पुराना सिस्टम है एंशियंट टाइम से, और गाँव में गाय भैंस मतलब काउस और ये बैल और ये सब होते भी हैं, इसको इनसे दूध का इस्तेमाल किया जाता है, डेयरी का बिजनेस भी चलता है, तो इन्हीं पशुओं को खेती के लिए यूज कर सकते हो, तो इससे बहुत फायदा होता है, ठीक है। आवाज तुम लोगों को मेरी आ रही है क्लियर? कृष्णा और श्वेता, बेटा आवाज आ रहा है मेरा? साफ से साफ सुनाई दे रहा है? यस सर, बताइए, सुनाई दे रहा है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटे किसान जो हैं वो खेती कैसे करते हैं। छोटे किसान मतलब किसान छोटे नहीं होते, वो किसान जिनके पास कम जमीन है, ठीक है। ये अशुद्ध हिंदी है,
छोटे किसान है किसान, छोटे किसान बड़े किसान नहीं होते हैं। जो कि आप ऐसे बोलेंगे कि जिन किसानों के पास कम जमीन होती है वो क्या करते हैं, पशुओं का इस्तेमाल करते हैं। पहला चीज समझो, पशुओं का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, सेलेक्टिव क्रॉप्स उगाते हैं, हर चीज नहीं उगाते हैं, ठीक है। और तीसरा, ज्यादातर अपने यूज के लिए रखते हैं, कुछ चीजें मार्केट में बेच देते हैं। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज सीजनल, हेंस दिस फार्मर्स गो टू द सिटीज टू सेल वेजिटेबल टिल द क्रॉप्स आर रेडी टू देयर लैंड। बोल रहा है कि देखो जो कृषि होता है उसमें सीजनल होता है। सीजनल मतलब तीन तीन महीने के गैप पे, मान लो चावल उगता है, फिर तीन चार महीना लग जाता है गेहूं उगने में। तो वो बोल रहा है कि उस तीन चार महीने के बीच में वो क्या करेंगे। तो लिखा है दिस फार्मर गो टू द सिटीज टू सेल वेजिटेबल, तो जो किसान होते हैं ये शहरों में जाके सब्जियां बेचते हैं ताकि सब्जी बेच के जो पैसा मिले उससे हम अपना खर्चा चला सकें। क्योंकि मान लो कि चावल है दो तीन महीना बाद पूरा बन के तैयार हुआ, या गेहूं दो तीन महीना बाद बन के तैयार हुआ, तो उस तीन महीने के बीच में वो क्या करेंगे, तो सब्जियों को उगाते हैं और सब्जियां बेचते हैं जाके शहरों में, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, इन द मीन वाइल वीडिंग हुइंग एंड माइलिंग ऑन द फील्ड आर मोस्टली डन बाई वीमेन, और औरतों के द्वारा जो भी खेती से रिलेटेड एक्टिविटी है, जैसे नहीं होता है कोड़ना, बीज डालना और उसको जुताई करना, बुआई करना, ये सारा काम जो है औरतों के द्वारा किया जाता है। फिर आगे क्या लिखा है, दिस फार्मर्स आर मोस्टली इनडेप्टेड और दे बारो मनी टू बाई सीड्स पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर एंड क्रॉप्स फेलर ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल, ठीक है। देखो बोल रहा है कि जितने भी ये नॉर्मल किसान हैं वो जनरली उधार लिए रहते हैं, किसी न किसी से उधार लिए रहते हैं। उधार लेके वो कीटनाशक खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं, ये सारी चीजें उधार लेके खरीदते हैं। जब मेरा फसल हो जाएगा बेच देंगे तो हम आपको पैसा चुका देंगे। और अगर मान लो किसी वजह से ज्यादा या कम हो गया कुछ, मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई, तो क्या होगा, उनका सब कुछ पैसा बर्बाद हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर किसान भारत में सुसाइड भी कर लेते हैं कि वो वापस बैंक का लोन नहीं दे पाते हैं या किसी सेठ से कोई पैसा लिए हैं तो नहीं दे पाते हैं, इसीलिए उनको सुसाइड करना पड़ता है। समझ आया बात। तो ये जितना भी पॉइंट है, द फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग, वो किसान जो कम जमीन रखते हैं वो कैसे कैसे खेती करते हैं, ये सारे पॉइंट्स को मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है, नोट्स टाइप का। उसको आप लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि वो नोट्स में रहेगा। जितना भी मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ तब भी तुम लोगों को मैं पांचवा या छठवां चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो सारा चीज नोट करो, ठीक है। तुम लोगों को मैं आठवां चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, आठवां चैप्टर में तुम लोग समझा रहा हूँ। सोचो तुम लोगों को ऑनलाइन में 8 चैप्टर पढ़ा दिया, तो हेडिंग डालो अपनी अपनी कॉपी पे, फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग। हेडिंग क्या है, फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग, ठीक है। चलो जो मैं पॉइंट लिखवाया हूँ वही तुम लोगों को समझाया हूँ, इसको अपनी अपनी कॉपी पे नोट करो। चलो
श्वेता शर्मा आवाज आ रही है? यस सर, दिख रहा है। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है बेटा? यस सर। जो तुम लोग के बुक में पॉइंट्स है ना, उसको मैं शॉर्ट में लिखवाया। बुक तुम्हारे पास है कि नहीं अभी? बुक ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को लिखो, इसको फेयर कॉपी पे लिखना, ठीक ना? उतारो सब, चलो। यस सर, लिख ली। देखो आगे क्या हेडिंग है, द लैंडलेस पीजेंट्स। देखो इसमें क्या लिखा है, कॉपी पे लिखा, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल टू वर्क ऑन अदर लैंड। बोला है कि ये वो लोग होते हैं, वो किसान होते हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती है। अपनी जमीन न होने की वजह से ये क्या करते हैं, दूसरे लोगों की जमीन पे खेती करते हैं, या अपना श्रम देते हैं, वर्क करते हैं। दे आर लैंडलेस पीजेंट हु वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स इन द फील्ड। ये घंटों जो है बहुत ज्यादा ज्यादा समय दूसरों के खेत में काम करते हैं। दिस वर्क इज सीजनल, ये काम मौसमी होता है। They remain without work for large part of the year. और जब मौसम चलता है तो काम करते हैं, जब मौसम नहीं चलता है तो बेरोजगार unemployed होके अपने गांव में बैठे रहते हैं। They are not educated as well. और ये शिक्षित भी नहीं होते हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं होते हैं। And some of them get involved in the jobs like construction, carpentry, mining, animal husbandry, etc. बोला है कि ये लोग जब खाली रहते हैं तो उस समय अलग अलग काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का, जैसे मान लो कि मजदूरी करना, मकान बनाना, शहर में जाके लोगों के मकान बनाना, ईटा ढोना, बालू ढोना, ये सब जो काम है उस टाइप के काम। और कारपेंट्री, कारपेंटर का काम, जो पेंट करते हैं लोग, ये सब काम, पेंट करना बढ़ई का काम जो होता है, मतलब लकड़ी के चीजें बनाना और कुछ पेंट करना, कुर्सी मेज बनाना लकड़ी के। उसके बाद माइनिंग, माइनिंग मतलब होता है कि मान लो कोई कोयले की खान है या कोई फैक्ट्री वैक्ट्री है, जमीन के अंदर से कोयला निकल रहा है, उसमें जाके मजदूरों की तरह काम करना। एनिमल हस्बेंड्री मतलब जानवरों का कोई व्यवसाय करना, जैसे मान लो कि डेयरी फार्म होता है, उसके बाद तुम्हारा मत्स्य का मछली फार्मिंग होता है, फिश फार्मिंग, जिसमें मछली को पाला जाता है, बेचा जाता है, एक एक का होता है सेलिंग, और मुर्गियों को पाला जाता है, अंडा निकाल के उनका बेचा जाता है, या अंडा जो वो देती हैं, या फिर उन मुर्गियों को बड़ा होने पर मुर्गियों को बेचा जाता है, ठीक है? तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे काम होते हैं जो गांव के लोग कब करते हैं, जब सीजन नहीं रहता है, खाली रहते हैं, तो ये सब काम करके अपने परिवार का आजीविका चलाते हैं। शहर जाते हैं, शहर में किसी के दुकान पे काम करते हैं, ठीक है, मजदूरी करते हैं, किसी के मकान बनाने का काम करते हैं, या फिर मान लो कि पढ़े लिखे हैं तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, दुकान उकान है गाँव की चट्टी पे या किसी दूसरी जगह, तो दुकान पे जाके बैठ के काम कर रहे हैं, बेच रहे हैं कोई चीज। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो गांव के लोग करते हैं, कब करते हैं, जब तब करते हैं जब सीजन नहीं होता है, खेतों में काम नहीं होता है, बुआई हो जाती है, सारा काम हो जाता है, तो ठीक फसल तो अपने आप उगेगा, फसल तो रोज जाके उगाना नहीं है, ठीक है, तो तब तक वो अपने टाइम पास के लिए और लेवलीहुड चलाने के लिए ये सारे काम करते हैं। समझ में आ बात, समझ में आ रहा है बात, आवाज आ रहा है मेरा? बट अब देखो बेटा, दो चीज तुमको हम बात बताए हैं ना, वो किसान जिनके पास थोड़ी जमीन है और वो किसान जिनके पास कोई जमीन नहीं है, वो दोनों लोग कैसे कैसे काम करते हैं। अब तुमको जो कुछ भी समझ में आया है बताओ तो। जो कुछ भी तुमको समझ में आया है सही चाहे गलत बताओ, गलत बताओगे तो उसको हम सही करेंगे ना, फिर इसलिए पूछ रहे हैं।
सर एक बार फिर से बताइए। कौन वाला टॉपिक बताओ, कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया? बताओ बेटा कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया है? सर सारा समझा लीजिए एक बार फिर से। कौन वाला, लैंडलेस वाला कि स्मॉल वाला? सर लैंडलेस वाला। कौन वाला? लैंडलेस। अच्छा देखो लैंडलेस वाले में किताब है तुम्हारे पास? किताब? यस सर। किताब में देखो क्या लिखा है, लिखा है इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क ऑन अदर्स लैंड। मतलब लैंडलेस किसान है, मतलब उसके पास जमीन नहीं है तो क्या करेगा, दूसरे की जमीन में जाके काम करेगा। क्या करेगा? दूसरे की जमीन में जाके काम करेगा। हाँ कौन सा काम करेगा? वही खेती होती वाला, ठीक ना? यस सर। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया बताओ? यस सर। फिर देखो आगे सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा है, लिखा है दे आर लैंडलेस पीजेंट हु वर्क फॉर लॉन्ग आवर इन द फील्ड। अब दूसरे के यहाँ काम करेगा तो लंबा लंबा काम करना पड़ेगा, मतलब घंटों काम करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा काम करेगा तभी सामने वाला उसको मजदूरी देगा, वेजेस देगा, 7-8 घंटे तक काम करना पड़ेगा। वो बोला है कि घंटों दूसरे के खेत में काम करना पड़ेगा, ठीक ना? अब देखो थर्ड वाला क्या लिखा है, तीसरा क्या लिखा है, देखो थर्ड वाला लिखा है दिस वर्क इज सीजनल। मतलब खेत में जो काम होता है ना वो साल भर नहीं चलता है, जब मौसम होता है तभी होता है। जैसे मान लो बुआई करना है गेहूं का या चावल का, जब उसका मौसम होता है तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन काम होता है। ऐसा नहीं होता है कि अब तुम खुद जाके नहीं ना उगाओगी, वो तो पानी पड़ता है धूप होता है तो अपने आप फसल उगती है। तो शुरू के 10-15 दिन काम रहता है, तो उसके बाद मान लो कि 10-15 दिन तक वो काम किया, मजदूरी भी ले लिया, उसको वेजेस मिल गया, अब उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद आगे के 2-3 महीना उसका खर्चा कैसे चलेगा? तो क्या करता है, फिर व्यवसाय करता है। व्यवसाय मतलब जैसे बढ़ई का काम होता है, कारपेंटर का, दूसरे के घर में जाके लकड़ी का दरवाजा बनाना, लकड़ी का खिड़की बनाना और कुर्सी बनाना, मेज बनाना, कोई भी लकड़ी का सामान मान लो है, या मान लो पेंटर कोई है पेंट कर रहा है, ठीक है, या फिर उसका मान लो अपना बिजनेस है, उसके पास 4-2 गाय है तो दूध बेच रहा है गाय से, उसके बाद और मान लो कि मुर्गी पालन है तो क्या कर रहा है, मुर्गियों को बड़ा होकर मुर्गियों को बेचा जाता है, या मुर्गियां जो अंडे देती हैं एग्स उनको बेचा जाता है। तो ऐसे करके बहुत से छोटे छोटे काम होते हैं, शहर में जाके मजदूरी करते हैं लोग, दूसरों के मकानों को बनाते हैं, जिसका घर में शहर में जिसका मकान बनता है वो दिन भर के लिए मजदूरों को लगता है ईटा ढोने के लिए, बालू ढोने के लिए। तो ये सब काम करके जब तक मौसम नहीं है तब तक ये सब काम करके वो क्या करता है, अपना लिवलीहुड चलाता है, और जब मौसम होता है तो गाँव में ही दूसरे की जमीन पे खेती करके अपना मजदूरी पाता है। समझ में आया बात? समझ में आया? समझ में आ गया? Yes, बोलो हाँ चाहे ना। नहीं समझ में आया तो फिर बताएं, समझ में आया तो आगे बोलो। सर बताओ, समझ में। हाँ बताओ, जो जो भी समझ में आया बताओ। छोटे जिसके पास कोई जमीन नहीं होती है वो कैसे अपना आजीविका चलाता है गांव में, कैसे वो अपना परिवार का खर्च? सर जिसके पास जमीन नहीं होती है वो दूसरों के खेतों में जाकर काम करता है। सर वो जब दूसरों के खेतों में जाता है काम करना तो उसको घंटों काम करना पड़ता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और क्या बताएं बेटा? जब मौसम रहता है काम करने का, और सर जब मौसम रहता है काम करने का तो वो जब कर लेता है तो काम खत्म हो जाता है, तो उसके बाद सर वो जैसे कारपेंटर का काम करता है, लकड़ी का दरवाजा दरवाजा बनाता है, पेंटर है तो सबके घरों को पेंट करता है, या फिर वो बाहर जाके काम करता है, या फिर सर अगर घर में मुर्गी उर्गी रखा रहता है तो बड़ा होने पर मुर्गी को बेचता है और मुर्गियां जो अंडा देती है उसको बेचता है। हाँ ठीक है, एकदम सही बताइए, वेरी गुड। यस सर। अब देखो
आगे देखो, कोई भी चीज पढ़ो ना तो उसको अच्छे से समझ के आगे बढ़ो। मान लो हम बोल रहे हैं, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, हम बोलते बोलते आधा घंटा एक घंटा क्लास खत्म हो गया और तुमको कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर क्या फायदा पढ़ने का? तो कोई भी चीज ना समझ में आए तो बोल दो, हम दोबारा बता देंगे, लेकिन समझ समझ के पढ़ो, ठीक है? देखो आगे हेडिंग है तुम लोगों के पेज नंबर 184 पे, अगला हेडिंग है अदर मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ठीक है? अब बताओ मीन्स मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन्स सर? मीनिंग अर्थ। हाँ देखो बेटा, मीन्स मतलब होता है साधन, यहाँ पे क्या होगा साधन, अदर मतलब होता है दूसरे, मीन्स साधन आप मतलब के, और लिवलीहुड मतलब आजीविका, मतलब आजीविका के दूसरे साधन क्या होते हैं, मतलब और कैसे कैसे गांव के लोग और कैसे कैसे पैसा कमा के अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं, इसके बारे में इस हेडिंग में आपको पढ़ना है, ठीक ना? देखो क्या लिखा है किताब में, लिखा है अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर पीपल एंगेज इन द एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री मेकिंग, कलेक्टिंग फ्रूट, फायरवुड from forest and weaving etc.